चुनाव के बाद राजनीतिक का पारा आसमान चढ़ कर बोल रहा है। वहीं मुकेश सहनी की कई विधायक बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तो कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक कार्यकर्ता थे वो जदयू ज्वाइन किए। उसी पे हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ से भी कल जदयू ज्वाइन किए हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ से कोई नेता ज्वाइन नहीं किए हैं। श्री अनंत गुप्ता जी पूर्व व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे और पार्टी टूट से पहले विगत बिहार विधानसभा चुनाव जो हुई थी बिहार में, उसमें पार्टी गतिविधि में पार्टी के विरुद्ध कार्य करने को लेकर उनको पार्टी से 6 साल के लिए पहले ही निष्कासित कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि कल मैं भी देख रहा था उपेंद्र कुशवाहा जी काफ़ी पीठ थपथपाते नजर आ रहे थे कि लोजपा रामविलास के नेताओं को हमने तोड़ा, खबरें बनाने का प्रयास किया गया। मैं समझता हूं कि फूके हुए कारतूस को जो है इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी को और नीतीश कुमार जी को धोखा देने का काम कर रहे हैं। जो उनकी पहले से चाल चरित्र चेहरा रहा है, वो हवाबाज नेता हैं, हवाबाजी में विश्वास करते हैं। अब बताइए, जिसका लोजपा रामविलास से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं है, वैसे नेताओं को अपने पार्टी में लाकर मैं समझता हूं कि अपनी पीठ थपथपा नहीं रहे तो और क्या कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि लोजपा से आए हैं। नहीं, लोजपा रामविलास के किसी पद पे अगर होते तो मैं आपको आश्वस्त करता कि निश्चित तौर पे मेरी कोई टूट हुई है, मेरा कोई नेता किसी दल को ज्वाइन किया है। लेकिन जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से अनंत गुप्ता जी का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, 2 वर्ष पहले वो निष्कासित कर दिए गए हैं, आगामी 6 वर्षों के लिए पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर पार्टी ने उन्हें 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, ऐसे में कहां तक ये दम भरना कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं को तोड़ा गया? मैं समझता हूं कि फूके हुए कारतूसों को बटोर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार जी को धोखा दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी का चाल चरित्र चेहरा है। तो केवल लोजपा का नाम भजाया जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, कहीं भी लोजपा को लेकर राजनीति कर रही है आजकल जदयू, और चिराग जी के नाम से TRP बढ़ती है इन लोगों का। तो चिराग जी का नाम लेना ये लोग बहुत बखूबी से पसंद करते हैं लोग, ताकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुश रहें। तो उपेंद्र कुशवाहा जी खुशामदीद हो गए हैं आजकल, खुशफहमी के शिकार हो गए हैं और खुशामद में नए नए बयान देते रहते हैं, नए नए कसीदे करते रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। ये उनका अपना चरित्र है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए।